अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप लोग सही होंगे, हम भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। हानी जो है ये देखिए यहाँ क्यों खड़ी हुई, हानी पहले ये बताओ, हानी की जो मॉर्निंग है ना वो अभी हुई है, और किस वजह से हुई है हानी की मॉर्निंग? क्योंकि शेरू और बिट्टू लड़ाई कर रहे थे। शेरू और बिट्टू बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे। मैं भी यहाँ किचन में थी, मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, तो देखो तो इतनी आवाज़ें आ रही जोर जोर की। शेरू और बिट्टू जो ना खूब फाइट कर रहे थे, हमने फिर उनके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला, तब भी वो नीचे जाके फ्लोर पे लड़ाई करने लाइक बिट्टू के ऊपर पानी फेंकते हैं तो शेरू पीछे पीछे जाते, शेरू के ऊपर पानी फेंकते हैं तो बिट्टू पीछे पीछे जाते। हाँ, अगर लड़ाई हो रही हो तो और बिट्टू जाता है पीछे, लेकिन शेरू तो हर बिल्ली के पीछे जाते हैं। अच्छा, आज हानी जो है इतनी लेट उठी है क्योंकि आज हानी स्कूल नहीं गई है, और स्कूल इसलिए नहीं गई है कि हमारी आँख नहीं खुली। 8:30 बजे हमारी आँख खुली, और आज हानी का क्या था हानी बताओ? डिक्टेशन। हाँ, डिक्टेशन था। हानी ने पूरी प्रिपरेशन करी हुई थी अपने डिक्टेशन की, अब ये बस अब नहीं खुली तो क्या करें, आँख छुट्टुल्ला हो गया हानी का। चलें जी, अब मैं जाके ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। जी हानी से मैं कह रही थी हानी ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, तो हानी कहेंगी चल ओके मम्मी बना लीजिए। और आज हम बनाएंगे ऑमलेट, और ऑमलेट के लिए मैंने चीज़ें जो हैं ये फुगीना कहलाता है ये, उसमें आलू भी डालूंगी, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया भी मैं लेके आती हूँ, इसमें चॉप करना है। और ये देखिए मैंने एक बाल्टी बनाई है अपने घी के लिए ना, ये बहुत अच्छी बाल्टी है। इसमें हमें ना किसी ने गांव से ना असली घी भेजा था, तो हम लोग तो यूज़ नहीं करते असली घी, तो मैंने किसी को दे दिया था असली घी, क्योंकि हम लोग असली घी नहीं खाते। तो फिर ये हमने बाल्टी रख ली थी, अब इसमें ही मैंने अपना घी डाल दिया है। अच्छी है बाल्टी बहुत। चलें अब मैं बनाती हूँ ऑमलेट, ऑयल डालूँ। एक तरफ मेरी चाय बन रही है, एक तरफ मैं पराठा बनाऊंगी, और ये सब चीज़ें रखी हैं, मैंने प्रेपर लेना है। अब ये चाय बन जाए ना तो फिर मैं फ्राई पैन रखूंगी। मैंने चाय शिफ्ट कर दी है, ठीक है, इधर मेरा पराठा और इधर मेरा ऑमलेट, ऑमलेट बनाऊंगी, वो तो बनाना है मुझे। तो मैं ऑयल थोड़ा सा और इसमें ड्रिजल कर दूँ, बस बहुत है। अब मैं इसमें अनियन डालूंगी, ये देखिए मेरी कटी हुई रखी है अनियन, ये सब चीज़ें मसाले अनियन डाल के थोड़ा सा ब्राउन करूंगी। अच्छा, मैंने प्याज के साथ ही ना आलू भी डाल दिए हैं, ताकि आलू भी इसमें थोड़े से तल जाएंगे, प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगी, आलू भी जब तक गल जाएंगे इसके अंदर और थोड़े तले तले से नहीं हो जाते, अच्छे मज़े के हो जाते। पराठा मैं छोटा सा पराठा जो है वो मैं अपने लिए बना रही हूँ, देख सकते हो आप, एक छोटा पराठा जो है मेरा, बड़ा जो है वो हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। हस्बैंड ने आजकल ऑफ लिया हुआ ऑफिस से, तो इसलिए घर पर होते हैं, और हमारा ब्रंच होता है साथ ही ना, अर्ली मॉर्निंग तो नहीं उठते, और आज वैसे भी हम उठते हैं हानी के लिए उठते हैं, फिर उसके बाद दोबारा फिर हम लोग सो जाते हैं, जब हानी स्कूल से आने का टाइम होता है तो जब उठ जाते हैं 12 बजे तक उठ जाते हैं फिर हम लोग ना। बट आज तो है हमारी आँख ही नहीं खुली है, पता नहीं अलार्म लगाया था, अलार्म लगा के फिर हम दोबारा सो गए, और जब मेरी आँख खुली तो 8:30 हो रहे थे, तो वो तो टाइम नहीं था स्कूल का, बस आज का ये प्रॉब्लम हुआ थोड़ा हानी का, स्कूल में सो गया। और साथ ही मैंने रखा है गर्म पानी, मैं गर्म पानी पीऊँगी, आजकल मेरे गले में थोड़ा सा ना दर्द भी हो रहा है, सुबह उठ ना मॉर्निंग में तो दर्द हो रहा होता है, तो मैं गर्म पानी पी रही हूँ थोड़ा। अच्छा, मैंने इसके अंदर दो एग हैं वो मिक्स कर दिए हैं, डाल दिए। क्या हानि को अच्छा नहीं लगता? ऑमलेट यहाँ हो गया मेरा रेडी, मज़े का यमी यमी पराठा। ये टीचर आई हुई थी पढ़ा के बिल्कुल अभी अभी गई हैं, और हानी ने देखो अपना बैकपैक नहीं किया है। हानी को मैं कहती हूँ हानी अपना बैकपैक करो। आज फिर हम बना रहे हैं, हानी क्या बना रहे हैं? पालक गोश्त। और वीडियो जो है वो हानी बना रही है, मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। हानी तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं। राइस बनाऊंगी इसके साथ, मजे के लगते हैं राइस के साथ तो पालक गोश्त। आयरन होता है पालक में, बहुत यम्मी होता है ये।
राइस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ नहीं तो रोटी के साथ नहीं खाती, राइस के साथ खाते हैं हम लोग, ज़्यादातर राइस के साथ ही खाते हैं। तो क्या आज मैंने बना रही हूँ पालक गोश्त। मैंने ना चिकन नहीं डाला, वरना हम लोग चिकन खाते हैं। ये बकरे का गोश्त लेके आए थे तो मैंने बकरे के गोश्त का पालक में डाला है, और साथ ही मैं बना रही हूँ राइस जो मेरे बॉईल हो रहे हैं। मगरिब के अजान का वक्त हो गया है, क्लाइंट मेरी चली गई हैं। एक से मैं टर्न ऑफ, नमाज पढ़ूंगी जाके, और साथ ही सालन मेरा बन रहा है, हरी मिर्ची डाल रही हूँ इसमें। मैंने आज सोनी बल्कि बंद ही हो गई है, बंद कर रही हूँ। साथ ही हानी क्या हुआ? अच्छा हाँ, शेरू को डॉक्टर आ गया है। दरअसल हमें ना आज अपने शेरू जो है ना उसको इंजेक्शन लगवाना है ना, तो उसका डॉक्टर आ गया है। गर्मी बहुत शदीद हो रही है और ठंडा पानी पीने का इतना दिल कर रहा है कि बार बार ठंडा पानी पिए। कराची में तो बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, बला की गर्मी। आप लोग सुनाएं आपके शहर में क्या पड़ रही है, बहुत गर्मी है? पानी पी के इतना सुकून मिल रहा है ना, दिल चाह रहा है बहुत पानी पिए। और अच्छा है, सबको भी पानी पीना चाहिए, बच्चों को भी खूब पानी पिलाएं, क्योंकि बहुत गर्मी है, बच्चे पीते नहीं है, बहुत तंग करते हैं। हानि तो बहुत तंग करती है, पानी नहीं पीती है। नेबर है, मोबाइल दे रही थी, क्योंकि वो जो मेरा शेर हुआ है जो बाहर बैठता है, तो उसके अंदर ना कीड़े हो गए, पैट्स के अंदर हो जाते हैं, कैट्स होती हैं उनके अंदर, तो वो कीड़े हो गए हैं, तो उनके डॉक्टर को बुलवाया, इंजेक्शन लगेगा उनके। और साथ ही मेरी क्लाइंट आ गई, मैं वेट ही कर रही थी आपका, बड़ा तंग करती हैं आप। हाँ मगरिब के अजान का वक्त हो गया है, क्लाइंट मेरी चली गई हैं। एक से मैं कर लूँ आप, नमाज पढ़ूंगी जाके, और साथ ही सालन मेरा बन रहा है, हरी मिर्ची डाल रही हूँ इसमें। अब इसकी आँच स्लो कर दी है मैंने, आँच स्लो नहीं बल्कि बंद ही हो गई है, बंद कर रही हूँ। साथ ही हाँ नहीं क्या हुआ? अच्छा हाँ, शेरू को डॉक्टर आ गया है। दरअसल हमें ना आज अपने शेरू जो है ना उसको इंजेक्शन लगवाना है ना, तो उसका डॉक्टर आ गया है। अच्छी है कि ये मिल गए जल्दी। अच्छा डॉ, अब दोबारा नहीं होगा इसमें फिर कीड़े? ये रिपीटेशन होता रहेगा, सेट रहेगा। अच्छा, ये भागेगा तो नहीं मैं हट जाऊं? हाँ पकड़े ले, ये गुड्डी पकड़ ले, क्योंकि एक इंजेक्शन के बाद तो आउट हो जाएगा। पकड़ ले, हाँ देखो तो कैसे इंजेक्शन लग रहा है, डर लग रहा है मुझे तो। ये मारे हो ये इसकी, उसके साथ अभी ये मसला चल रहा था, ठीक है? क्या मसला? वो जो कीड़े हो गए थे? नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह, लेकिन पंजा मारेगा वो मुट्ठी में पकड़े। नहीं नहीं, या फिर काबू तोड़ दिया ऐसा, अगर आपने छोड़ दिया थोड़े मिनट। कितने लगे इसके इंजेक्शन? तीन मुट्ठी में पकड़े। नहीं नहीं, या फिर काबू तोड़ दिया ऐसा, अगर आपने छोड़ दिया थोड़े मिनट। कितने लगे इसके इंजेक्शन? तीन लग गए। कौन कौन से लगे? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एंटी एलर्जी और स्किन का, और एंटीबायोटिक एंटी, ये एंटी एलर्जी, ये एंटीबायोटिक होगा। हमें आपके ऊपर भी पूछ सकता है वो, ये बता रहा। अरे भैया ना डराओ, ऐसे डर लग रहा है मुझे तो। अच्छा जी, उनके तो इंजेक्शन लग गए, मैं तो यहाँ आके खड़ी हो गई, और साथ ही ना मैंने ना खाना बनाई कर रही थी, मैंने कहा चलो सालन की अपनी बुनाई कर लूं, बंद करके पहले मैं शेरू को देखने चली गई थी। रियो एसी क्यों बंद किया है? एसी में से पानी गिर रहा था। ओ एसी बंद कर दिया फिर? ठीक है चलो, अच्छा किया। अब वेट कर लो, अभी जब आएंगे बात तो देखेंगे क्यों गिर रहा है। हाँ मैं वही देख रही थी, और उसकी पूरी फाइव लगी है। फाइव लगी है? चलना नहीं है मेरे साथ? नहीं नहीं।
ओके जी, मुझे तो जाना है कहीं काम से, तो मैं हानि को कह रही थी हानि मेरे साथ चलो, तो हानि कह रही है नहीं मैंने नहीं जाना, हानि घर पे ही रहेगी। तो बस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड, क्योंकि मैं अब जाने की तैयारी कर रही हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। डू यू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, नहीं बोलोगी यूट्यूब चैनल, और कौन क्या नाम है आपके चैनल का बताओ हानि, नाम हानि को बुक एंड व्लॉग्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे। बाय बाय।